हेलो गाइस, आई एम राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एम ओपिनियन। गाइस, यूट्यूब को लेके आप लोगों के मन में अभी भी इतने सारे गलत सोच बैठा है ना, जो मैं क्या किसी भी बड़े यूट्यूबर जो लोग यूट्यूब नॉलेज शेयर करते हैं वो लोग चाहे भी तो आप लोगों को सुधार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप यूट्यूब पर अच्छा वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं देते हो, यूट्यूब अपडेट नहीं देखते हो। यूट्यूब पर जितने सारे अच्छे वीडियो है जिससे यूट्यूब चैनल को ग्रो करवा सकते हो आप लोग, या फिर यूट्यूब पर किस तरह से काम करना चाहिए, यूट्यूब को किस तरह से प्यार करना चाहिए, इस तरह के जो वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, इस तरह के वीडियो आप देखते नहीं हो। और अगर देखते भी हो तो कितने, मान लो 8-10 मिनट के वीडियो है और आप ऐसे ही 1 मिनट 1.5 मिनट देख के चले जाते हो। उसके बाद उसी यूट्यूब क्रिएटर को उसी वीडियो में जो कवर करके गए हैं वो यूट्यूबर, मान लो मैंने एक वीडियो बनाया MCN के ऊपर, मैंने वहाँ पर MCN के ऊपर 5 पॉइंट बता दिया और आपने पूरे वीडियो नहीं देखा, उसी 5 पॉइंट से 1-2 पॉइंट उठा के आप सवाल कर रहे हो और मुझे आंसर देना पड़ रहा है। यही प्रॉब्लम हो रहा है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, हर किसी का सवाल का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने वीडियो में कवर करके रखा है वही सवाल आप बार बार पूछोगे। आज मैंने एक को आंसर दे दिया, कल दूसरे कोई पूछ रहा है उसको आंसर दे दिया, तीसरे दिन और कोई पूछ रहा है, तो ऐसा ही करता रहूँगा या फिर काम करूँगा। तो आप YouTube पर 2-3 घंटा टाइम बिताओ भाई, अच्छा अच्छा वीडियो देखो, YouTube के अपडेट देखो, YouTube के ऊपर जितने सारे नॉलेजेबल वीडियो या फिर मोटिवेशनल वीडियो वो वीडियो दिखा करो, अपडेट रहना पड़ेगा YouTube पर। लेकिन आप वीडियो देखते नहीं हो, और देखते भी हो तो बता दिया मैंने यही 1-1.5 मिनट या फिर 30 सेकेंड, उसके बाद उसी यूट्यूबर को जाके कमेंट करते हो। अभी भी मैं पार्ट डे, मेरा इतने सारे चैनल होने के बाद भी, इतने सारे काम होने के बाद भी 2 से 3 आवर्स सिर्फ और सिर्फ दूसरे का वीडियो देखता हूँ, चाहे वो मेरे कैटेगरी का हो या फिर ना हो। मान लो एक दिन मैं सौरभ जोशी का ब्लॉग देख रहा हूँ, अगर वो 10 मिनट का वीडियो बनाता है ना तो मैं 10 मिनट पूरे देख लेता हूँ या फिर 8 मिनट तो देख ही लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वीडियो नहीं देखूँगा तो वीडियो का जो पूरे मज़ा मैं उठा नहीं पाऊँगा, इसीलिए मैं देखता हूँ। वो वीडियो देख के तो मुझे कोई नॉलेज नहीं मिलने वाला, कोई काम नहीं है, एंटरटेनमेंट वीडियो है, फिर भी मैं देख लेता हूँ कभी कभी, हर वक्त नहीं। संदीप महेश्वरी जी मेरे कैटेगरी का नहीं है, फिर भी मैं उनका वीडियो देखता हूँ। क्यों? तो आप लोग भी वीडियो देखते हो, किस तरह के वीडियो देखते हो? 1000 सब्सक्राइबर कैसे गेन करे 24 आवर्स में, 4000 आवर्स वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करे 2 दिन में, CPM वर्क करके कैसे महीने में 50,000 रुपया कमाया जाए, MCN ज्वाइन करते हुए कैसे महीने में 1,00,000 रुपया कमाया जाए, मूवीज़ अपलोड करते हुए कैसे महीने में 50,000 रुपया कमाया जाए। और आप ये सर्च कर रहे हो इसीलिए कुछ यूट्यूबर्स ये सर्चिंग कीवर्ड का फ़ायदा उठा रहे हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और आप बन भी रहे हो। मान लो MCN के ऊपर अगर मैं बात कर लूँ तो MCN के ऊपर मेरे कितने सारे नॉलेजेबल वीडियो मैंने बनाया, आप पूरे वीडियो नहीं देख रहे हो। उसके बाद जो वीडियो में मैंने कवर कर दिया वही सवाल मुझे फिर से आके पूछ रहे हो। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि हर MCN आपको पहले खुल के नहीं बताएगा कि उनके ओरिजिनल क्राइटेरिया क्या है, आप ज्वाइन होने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ओरिजिनल फंडा क्या है, मेन फंडा क्या है। तो आपको मेंटली इस तरह से PPR रहना पड़ेगा। और फिर से मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, जो लोग MCN ज्वाइन करना चाहते हो, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, जो नए क्रिएटर है उन लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखिए भाई, MCN लोग सिर्फ और सिर्फ गलत तरीका अपनाने के लिए ज्वाइन नहीं होते। बड़े यूट्यूबर MCN ज्वाइन होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके थोड़ा अर्निंग इंक्रीज करने के लिए, अर्निंग जल्द अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र करने के लिए, थोड़ा बहुत अगर अर्निंग हो उसे भी अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र करने के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है गूगल एडसेंस पर $100 कंप्लीट होंगे तो आपका बैंक अकाउंट पर मनी ट्रांसफ़र होंगे और 1 महीने के बाद ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन यहाँ पर
ऐसा कोई बात नहीं है। पहले वीडियो में मैंने बता दिया था, यहाँ पर आप 2-3 दिन में पेमेंट ले सकते हो, $5, $10, $20 जो भी हो पेमेंट ले सकते हो, अपने बैंक अकाउंट पर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। इसीलिए लोग MCN ज्वाइन करने के लिए जाते हैं। लेकिन आप लोग MCN ज्वाइन करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा न्यू यूट्यूब क्रिएटर के मन में जो सोच है कि मूवीज़ अपलोड करूँगा और वहाँ से लाखों रुपया कमा लूँगा, फिर से मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं होता है भाई। ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे कमा रहे हैं, वो क्यों कर रहा है, वो कैसे अपलोड कर रहा है, उनको क्यों क्लेम नहीं मिला, मुझे क्यों मिल रहा है, उनको क्यों स्ट्राइक नहीं आया, मुझे क्यों आ रहा है, ये सब छोड़ दो, इसके पीछे मत भागो। यूट्यूब पर आए हो, अपना खुद का सोच लेके आया करो, खुद काम करो। दूसरे लोग काम करेंगे, आप उसके कंटेंट चुरा के यूट्यूब पर अपलोड करोगे और उसके बाद कहोगे कि वहाँ से 50,000 1,00,000 रुपया अर्निंग हो जाए, क्यों ऐसा सोच है आप लोगों के मन में? खुद का कुछ नहीं है क्या? आपका खुद का टैलेंट क्या है, क्रिएटिविटी क्या है? यूट्यूब पर आए हो और बड़े यूट्यूबर को गालियाँ देते हो, क्या करेगा वो लोग? अभी के टाइम पे बड़े यूट्यूबर हो या फिर छोटा यूट्यूबर हो, क्लिक बेल्ट नहीं करेंगे तो वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएगा, क्लिक नहीं होगा, ये यूट्यूब खुद बता रहा है, क्लिक बेल्ट करना ही पड़ेगा। तो बड़े यूट्यूबर क्लिक बेल्ट करते क्यों हैं? आप ही लोगों के लिए। आप लोग इस तरह के जो कीवर्ड जो उन्होंने थंबनेल पर लिख के रखा है या फिर टाइटल पर डाला है, वही कीवर्ड पर क्लिक करोगे, इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं। अगर वो सच सच लिख देगा कि ये करो, एक महीना मेहनत करो, एक साल मेहनत करो, तब जाके आपके चैनल ग्रो होंगे, आपको 1000 सब्सक्राइबर मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता, यूट्यूब पर कोई भी गारंटेड नहीं है, तो आप उस वीडियो को देखोगे? नहीं देखोगे। कोई अगर लिख देगा कि 24 आवर्स में ये काम हो जाएगा तो ही आप क्लिक करोगे और उसके बाद उसी बड़े यूट्यूबर को गालियाँ दोगे कि आपने क्लिक बेल्ट किया है, आपने गलत वीडियो बनाया है। आप गलत वीडियो देखना चाहते हो, वहाँ पर क्लिक कर रहे हो, वो वीडियो देख रहे हो, आपके कोई गलती नहीं है, जो बना रहे है उसके गलती है, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? तो यही बताना था। MCN के ऊपर अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, सच में आपको MCN ज्वाइन करना है, किस तरह से काम करने से आप MCN ज्वाइन कर सकते हो, सारे नॉलेजेबल वीडियो मेरे चैनल पर है। थोड़ा वक्त देके, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, जितने टाइम लगे, मेरे ज्वाइन MCN जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाइए, पहले से लेकर अंत तक अभी तक जितने सारे MCN के ऊपर वीडियो है, फ्रीडम के ऊपर वीडियो, सारे वीडियो आप एक एक करके देखिए, उसके बाद आपके मन में कुछ सवाल है तो मुझे पूछिए, मैं आंसर नहीं दूंगा, आपके साथ फ़ोन पे बात करूंगा, लेकिन आपको सारे वीडियो देखना पड़ेगा उसके बाद। बस यही बताना था, यही एक नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाना था तो बना दिया। अभी आप लोग बताइए वीडियो आप लोगों को पसंद आया कि नहीं, अगर पसंद आया तो एक लाइक करते हुए शेयर जरूर कर देना चैनल पर, अगर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल पे भी क्लिक कर देना। तो आज के लिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय, जय हिंद।